नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पंचायतों में चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक का बयान, क्या सरकारी अधिकारियों को समय है सुधरने का। सतना जिले के नागौर क्षेत्र से विधायक रहे कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह का एक हाल का भाषण सरकारी अमले में खलबली मचा दिया है। उनका भाषण सार्वजनिक मंच पर दिया गया था और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें भी अपने अनुभव साझा करते हैं और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके विचार को बयां करते हैं। इस वीडियो में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि पंचायतों में क्यों इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकारी अमले क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इशारों में कमीशन देने की बजाय पिटाई की प्रेरणा दी है और इसे एक मजबूत संदेश के रूप में प्रस्तुत किया है। इस घटना के पीछे की कहानी में यह है कि शनिवार को नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह सरपंच संघ के आंदोलन का समर्थन देने पहुंचे थे। पूर्व विधायक ने माइक पर बोलना शुरू किया और उन्होंने सरपंचों को संबोधित किया। उन्होंने अपने सियासी जीवन के अनुभवों को याद करते हुए कहा कि वे समझते हैं कि सरपंच क्यों कमीशन देते हैं। वे आगे बढ़कर बोले कि वे कभी किसी की ना ही बर्दाश्त की बात करते थे और ना ही मनमानी की अनुमति देते थे, चाहे वो सीईओ हो या ओवरसीयर। सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने सदैव जवाबी काम करने के लिए कहा था। उन्होंने सरपंचों से पूछा कि वे डर क्यों रहे हैं, वे सार्वजनिक सेवाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि पंचायतों के पास पहले अधिकार होते थे लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है। पंचायतों के एओआर भी पीडब्ल्यूडी के एसओआर की तरह होते थे लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है कि पंचायतों में क्या काम हो रहा है। यह भाषण वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व विधायक के विचारों को सबके सामने रख दिया गया है और इससे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विचार करने का समय मिला है कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सतना जिले के नागौर क्षेत्र से विधायक यादवेंद्र सिंह के इस भाषण ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्या सरकारी अधिकारियों को समय है सुधरने का। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करके पंचायतों में हो रही भ्रष्टाचार की गंभीरता को दर्शाया है और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश भी दिया है। इसके अलावा वीडियो सोशल मीडिया पर विभिन्न विचारों को लेकर चर्चा कर रहा है और लोग इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बोल वायरल हो रहे वीडियो से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या सचमुच यह उनके साथ होगा जैसे पूर्व विधायक ने इसे प्रेरित किया है। इस भाषण वीडियो के वायरल होने से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोच रहे हैं कि क्या यह एक संकेत हो सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समर्थन मूवमेंट तैयार हो रहा है। यादवेंद्र सिंह का वीडियो सामाजिक मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में देख रहे हैं। उनके विचार और संदेश ने एक सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की है और सरकारी अधिकारियों को सतर्क किया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। सरकारी अधिकारियों के लिए यह एक संकेत हो सकता है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घटना ने वीडियो के माध्यम से जनता को सच्चाई का सामना कराया है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सक्षम किया है। यादवेंद्र सिंह के वीडियो का यह प्रभाव दिखाता है कि सामाजिक मीडिया की शक्ति सच्चाई को सामने लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम कर सकती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम हो सकता है। यादवेंद्र सिंह के वीडियो ने एक सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की है और सरकारी अधिकारियों को सतर्क किया है। सरकारी अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश मिल रहा है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्रियाशील होने की आवश्यकता है। यादवेंद्र सिंह के इस वीडियो ने सामाजिक मीडिया पर प्रभाव डाला है और लोग अब सरकारी अधिकारियों की क्रियाओं को गंभीरता से देख रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है और लोगों को जागरूक किया है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। इसके अलावा वीडियो सोशल मीडिया पर विभिन्न विचारों को लेकर चर्चा कर रहा है और लोग इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के बोल वायरल हो रहे इस वीडियो से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या सचमुच यह उनके साथ होगा, जैसे पूर्व विधायक ने इसे प्रेरित किया है।
इस भाषण वीडियो के वायरल होने से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विचार करने का समय मिला है कि क्या वाकई में भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए कैसे कदम उठाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक रहिए, नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।